नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही की चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, एरिक वॉरे साहब की जो बुक है गो प्रो, उसमें से। अब साहब ये कहते हैं कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाओगे उसकी आपने हेल्प करनी है एवरी स्टेप ऑफ द वे, जब तक वो खुद से मजबूत नहीं हो जाता। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आप उसको कस्टमर बनाओ या उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, उस स्टेप तक भी आपने उसको कोच करते हुए हेल्प करना है। एक बार वो डिस्ट्रीब्यूटर बना तो फिर रियलिटी में उसको फिर आगे और डायरेक्ट करना है कि भाई अब आप डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए हो, अब आगे एक्शन कैसे लेनी है, क्या करना है, व्हाट आर योर स्टेप्स, है ना। तो साहब कहते हैं कि पहले एक एक अप्रोच के माध्यम से उन्होंने समझाया कि गेम प्लान इंटरव्यू, ये कॉन्सेप्ट, ये एक अप्रोच अप्लाई करनी है। उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटर को इंटरव्यू करना है और उस इंटरव्यू में प्रश्न पूछने हैं, उसको प्रश्न ऐसे पूछने हैं कि उसको प्रश्नों के और प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से डायरेक्शन मिले। अब बेसिक सा एग्जाम्पल है कि भाई आप कितना कमाना चाहते हो, तो अगला कहेगा मैं एक्स अमाउंट कमाना चाहता हूँ, उसके लिए आप कितनी एफर्ट डालना यू कैन, वो कहेगा मैं दिन का 1 घंटा स्पेयर कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कितने समय तक, तो इतने समय तक। तो देन यू डू अ कैलकुलेशन एंड टेल हिम कि इतना एफर्ट डालोगे और इतने टाइम तक करोगे तो देन यू विल रीच योर एक्सपेक्टेड इनकम, तो देन ही कैन सी द रियलिटी द वे यू सी, यू मेक हिम सी। दूसरा, उसको आप अवगत कराओगे और प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर टूल्स के बारे में कि भाई कौन से टूल्स यूज करने हैं, जैसे कंपनी की कोई वेबसाइट हो गई, ब्रोशर्स हो गए, यूट्यूब की कोई चैनल हो गई, फेसबुक में कोई ग्रुप हो गया, जहां से उसको और नॉलेज मिलेगी, विच ही और शी हैज टू व्यू एंड डू द होमवर्क। तीसरा, कॉम्पनसेशन प्लान कि भाई कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बाइनरी है, मल्टी लेवल है, कितने लेवल पे कैसे इनकम आएगी, कहाँ से आएगी, क्या प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे तो इनकम आएगी, क्या रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, कहाँ प्लेसमेंट करेंगे तो कैसे इनकम आएगी। दीज ऑल बेसिक्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम इनसाइड हैव टू बी टोल्ड, हैव टू बी कोच्ड, हैव टू बी टॉट, एंड ही ऑल्सो हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंगली लर्न अबाउट ऑल दिस। फिर खुद की जो पोटेंशियलिटीज हैं, पॉजिटिव और वीकनेसेस, उसके ऊपर काम करना, कैसे इम्प्रूव करना अप्रोचिंग, कैसे इम्प्रूव करना कुछ कुछ चीज़ें ना करना, करने से ज़्यादा आई वुडन्ट से ज़्यादा बट इक्वली ना करने वाली बातों पे भी एफर्ट डालना ज़रूरी है कि भाई ये मेरे से ना हो, ये मैं ना करूं। तो ठीक इसी तरीके से 5 स्टेप्स में एरिक साहब ने, जो उन्होंने भी अपने किसी एक गुरु से सीखा था, वही कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इस बुक में, इस चैप्टर में बताए, विच आर वेरी बेसिक, वेरी गुड स्टेप्स टू डू। जैसे ये बेसिकली जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जब हम स्कूल में इंटर होते हैं तो टीचर जो है वो हमको कुछ लेसन्स क्लास में सिखाती हैं, फिर घर पे करने के लिए होमवर्क्स भी देती हैं। ठीक उसी तरीके से इंटरव्यू यानी मीटिंग में आपने समराइज्ड वे में पॉइंट्स टच किए और अगले को होमवर्क भी दिया कि जा बेटा अब अगले मीटिंग के पहले ये सारा होमवर्क करियो प्रॉपरली। तो जब आप से मिलने के बाद और दूसरी बार मिलने के तक वो यहाँ वहाँ भटके नहीं, वो उसका माइंड जो है, उसकी एनर्जी जो है, वो इनग्रॉस्ड है
होमवर्क करने में, सीखने में और जानने में। और जितना ज़्यादा सीखेगा, जितना रेगुलरली सीखेगा, जितना जल्दी सीखेगा, उतना जल्दी ही वो तैयार होगा। और जितना जल्दी वो तैयार होगा, उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए साहब इसको पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से कहते आए हैं कि आप प्रोफेशनल बनो, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनो। ये नहीं कि पागलों के जैसे रिक्रूटमेंट, हर एक को पूछे जा रहे हैं भाई बिजनेस ज्वाइन करेगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर एक स्टेप में साहब ने बेसिक कुछ चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं, तो हमने उसको फॉलो करना है। अब प्रोफेशनल जो है वो एक प्रोफेशनल के तौर पे काम करता है, राह चलते हुए किसी अनाड़ी के जैसे काम नहीं करता। तो हमने भी वैसे ही करना है। और प्रोफेशनल बनने के लिए एफर्ट डालनी होती है, टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और फोकस रखना पड़ता है। ठीक है, तो साहब की इन बातों को जो इस चैप्टर में है, मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। जाने के पहले फिर वही रिक्वेस्ट, थम्स अप दें, कमेंट करें कि आप को कौन सी अप्रोच सही लगी, नहीं लगी। आपका कोई सुझाव है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, थम्स अप दें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब मैं बनाऊं तो आप तक पहले पहुंचे। और इस वीडियो को आप डिस्कस करें आपकी टीम के साथ में, क्या लगता है, नहीं लगता है। और मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो वेयर आई कैन इम्प्रूव, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप और प्रगति करें, आपकी टीम और प्रगति करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।